हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैंने ये क्लास अटेंड की हूँ, क्लासेस चल रही हैं कुकिंग की, तो ये मैं क्लास कर रही हूँ और हमारी मैम सब कुछ बता रही हैं हमें। दीदी पक्का? ठीक है, तो अब ग्रीन चटनी। तो ये ग्रीन चटनी तो बहुत काम की है, मीठी भी बनती है, तीखी भी बनती है। ग्रीन चटनी जब हम बनाते हैं, पुदीना और धनिया पत्ती, तो पुदीना हमेशा कम ले। तो आपको कोई भी ग्रीन चटनी बनाना है, पुदीने की क्वांटिटी कम, क्योंकि पुदीने थोड़ा धनिया से स्ट्रांग होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पुदीना कुछ पीसो तो उसके बाद काला पड़ता है। धनिया और जो है इम्पोर्टेंट इसका चटनी का, तो ये जो धनिए की जो डंडियाँ होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पर फेंक देते हैं, ये काम की चीज़ है। ये बहुत सारे इसमें चटनियों में डालो, अलग सा टेस्ट आता है। जबकि धनिया की खुशबू आती है, मगर टेस्ट इसमें अलग आता है चटनी का। तो समझ लो, अगर हमने एक एग्जांपल, छोटा एक क्वांटिटी आप देख लेना, एक कटोरी है या एक पाव है, अगर 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम अगर आपका धनिया है, धनिया पत्ती, तो 100 ग्राम आपको पुदीना लेना है। इतना फर्क होना चाहिए। एक पाव अगर पुदीना है, सॉरी समार है धनिया पत्ती, तो उससे आधा पुदीना या उससे आधे से भी कम, 100 ग्राम 150 ग्राम आप ले सकते हैं। उसके बाद है हरी मिर्च। तो हरी मिर्ची जो है, सबसे पहले तो आपके टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 आप इसमें इतने इसमें डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो, 10 सॉरी 15 नहीं, बहुत हो जाएगी 10। थोड़ी तीखी रहेंगे, इसमें चीनी भी जाएगी। हमारे हिसाब से मैं 10 डालूंगी, आपके हिसाब से और कम कर दीजिए, या मिर्ची के हिसाब से है। मिर्ची जो बारीक होती है वो तीखी होती है, मोटी होती है वो कम तीखी होती है। 10 लिख लीजिए, एक पाव है ना वो भी, इसलिए बोल रही हूँ, ये मेरा कम कम है, ठीक है, आपकी मर्जी। दो तो नहीं, 4 तो भी लिखिए। मैंने ले लिए तीनों। अब इसको फ्रिज के ठंडे पानी या बर्फ के साथ इसको रखना है। इसको ऐसे ठंडे पानी में, ठंडा पानी इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका एक तो कलर अच्छा रहता है, ग्रीन का ग्रीन रहता है, और टिकती है ज़्यादा दिन तक। ये ऐसे भिगाना है और इसको फिर पीस लेना है। पूरा धनिया पुदीना, हरी मिर्ची को नहीं भिगाए चलेगा, मगर धनिया पुदीना भिगा के रखना। ठंडा ही पानी डाल देना, ठंडा पानी में इसको पीसने के लिए ठंडा ही पानी डाली, क्योंकि मैंने ज्यादा देर भिगाई नहीं हूँ, इसलिए मैं ठंडे पानी में डाल दी। देखो इतना ग्रीन है, अब इसमें ये नींबू डालेंगे ना, इसका कलर चेंज होता है। मुझे तो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि मुझे, कि ऊपर है, देखो ऊपर कलर चेंज हुआ है इसका, नींबू डालने से। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो मैं बड़े कटोरे में निकालती हूँ। नींबू डालने से ना देखो उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे ही स्टोर करेंगे, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, ठीक है। डाली ना नमक? हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ना आप काला नमक भी यूज कर सकते हैं, काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डाली हुई है, काला नमक भी डाल रही हूँ। हाँ, अभी चीनी ऑप्शनल है आपकी मर्जी, मगर इसमें अच्छी लगती है चीनी। 2 टीस्पून डाल दो। मैम ने ग्रीन चटनी के बारे में बताई कैसे बनाना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।